Asalaamu Alaikum students of class 3. I am your SST teacher. Today is 20th July Monday, lecture number 5, week number 6. My dear little kids, hope you will be safe at home and will be doing your work regularly. Today we are going to start our new unit, unit number 1, the Earth and Space. Now let's start reading an explanation of page number 2 and 3 half. Now students, open your books and write it in your page number 2 and page number 3. Half the Earth in space. Okay students, now look at the board. I have drawn some object on board. First one is the Earth, second is moon, third is the Sun. Next is eight planets which are moving around the Sun, solar system. The first one is our student. Do you know on which planet do we live? Yes, we live on planet Earth and the shape of the Earth is. स्फेयर एंड वाइल्ड लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ आपको पता है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है हम लोग इंसान ज़िंदा कैसे रहते हैं बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर क्योंकि हमारी जो ज़मीन है इसके सराउंडिंग में क्या है एटमोसफेयर है एटमोसफेयर मीन लेयर ऑफ एयर हमारी ज़मीन के चारों तरफ जो है वो हवा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इज़ ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत जरूरी है हमारे सांस लेने के लिए एंड द सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर द मून द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट इट शाइन्स एट कब चमकता है ये रात को एट नाइट टाइम द सन द सन इज अ स्टार सन क्या है सन एक स्टार है एंड आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड एट प्लानट्स अब हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सन से बना है एंड द एट प्लानट्स मूव अराउंड द सन एट प्लानट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द स सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन सूरज के गिर जो एट प्लान मूव करते हैं उस मूवमेंट को क्या कहते हैं रेवोल्यूशन एंड द पाथ और जिस रास्ते पर वो मूव करते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट ठीक है ये सन है एट प्लानट्स दे आर मूविंग अराउंड द सन एंड द पाथ जिस रास्ते पर आपको ये नज़र आ रहा है दिस वे ये यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ ऐसे जाएगा एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑल प्लानट्स एट प्लान हैं सबके मून है बट ऑवर प्लान अर्थ है हमारी जो प्लानट अर्थ है ना आपको पता है हमारे आसमान पर कितने मून नजर आते हैं वन बट प्लानट जूपिटर जो है उसके पास सबसे ज्यादा मूव है और वो क्या कितने सिक्सटी सेवन मून्स लेट्स रीडिंग द अर्थ द सन एंड द मू आट ऑफ अवर सोलर सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम का हिस्सा है सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड एक प्लानट से बना है जो सन के अराउंड स्पेस में मूव करते हैं वो लिव ऑन प्लानट अर्थ इट इज सराउंडेड बाई एटमोसफेयर एटमोसफेयर क्या है लेयर ऑफ एयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स कीप अफ और यहाँ पर तमाम चीजें जिंदा रहती हैं और तमाम चीज़ें जिंदा कैसे रहती हैं बिकॉज ऑफ सन क्योंकि विदाउट सनलाइट वी वुड नॉट ग्रो एनी फ्लावर्स ट्रीज क्रॉप्स नथिंग विल वुड ग्रो और अगर कोई चीज़ ग्रो नहीं करेगी तो क्या होगा हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और फिर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे इसलिए सन और सन ये दोनों हमारे लिए सन की रोशनी और हरारत हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेस इज़ द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्पेस अगर आप स्पेस की बात करें तो स्काई और अद से बियॉन्ड मतलब पीछे चले जाएं तो आपको क्या नज़र आएगा अंधेरा नो एयर नो लाइट इन स्पेस ना स्पेस में लाइट है ना स्पेस में एयर है बट मिलियंस ऑफ प्लानट और स्टार्स हैं बहुत सारे सितारे हैं और प्लानट्स हैं लेकिन वो हमें बहुत दूर से बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं आपको पता है वो हमारी जमीन से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते इसलिए वो चीज़ जो हमारी ज़मीन के या हमारे बहुत ज़्यादा करीब होती है तो वो कैसी दिखाई देती है हमें बहुत बड़ी लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चली जाती है बहुत 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 ज़्यादा दूर तो वो साइज़ में छोटी हो जाती है वो कैसी

बहुत बड़ी सी बॉल है जो गैसों से बनी हुई है और वो हमें क्या देती है लाइट एंड हीट इट इज मच बिकर बहुत बड़ा है किससे अर्थ से और अदर प्लानट से सूरज किससे बड़ा है बहुत बड़ा है हमारी ज़मीन से भी बड़ा है और हमारे दूसरे प्लानट से भी बड़ा द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन प्लेस अब आप जो आपकी ज़मीन है आपको लगता है कि हम एक जगह खड़े हैं नो no. हमारी अर्थ फिक्स नहीं है बल्कि ये एनी टाइम अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है इट्स स्पीस स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है ज़मीन सन के अराउंड भी मूव करती है एंड इट टेक्स ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन और पूरा एक साल लगता है उसको थ्री सिक्सटी फाइव टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन स्टूडेंट्स अब मैं बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाऊंगी उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज़ रोटेशन व्हाट इज रेवोल्यूशन एंड हाउ अर्थ स्पेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती कैसी है ओके क्लास थ्री नाउ लेट सी हाउ अर्थ स्पिंगस इन अ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अब क्लॉक अर्थ जो है वो किसी एक जगह फिक्स तो नहीं है एनी टाइम वो मूव करती है अपने एक्सेस के अराउंड बट कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अब आपको पता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होती है डू यू नो वट इज दिस दिस इज अ क्लॉक अब ये क्लॉक है नॉर्मली आपके घरों में जो क्लॉक है वो कैसे मूव करता है एस लाइक दिस क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन ट्वेल्व टू वन टू थ्री फोर सेवन असेंडिंग ऑर्डर में जब हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो दैट्स मीन कि आपकी जो ये लॉन्ग हैंड है आपकी क्लॉक पे जो शो हो रहा है आपने इसको एंटी क्लॉक वाइज मतलब ट्वेल्व टू वन करना है मतलब ट्वेल्व अलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मीन आपने ट्वेल्थ से डिसडिंग ऑर्डर में जाना है और आपकी ये जो मूवमेंट है आपको पता है दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट तो ईस्ट में आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है और आपकी जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है आपकी जो अर्थ मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ओके नाव दिस डायरेक्शन इज कॉल एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ओके नाव लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस द दिस इज योर अर्थ अब ये आपकी अर्थ है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस अर्थ एक्सिस नाउ द अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सिस अब आपकी जो अर्थ है वो एनी टाइम मूव करती है और वो किसके मूव करती है अपने एक्सिस के अराउंड किसके अराउंड मूव करती है एक्सिस के अराउंड एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस अब जो अपना राउंड वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है एक्सिस के अराउंड इट इज़ कॉल्ड रोटेशन उसको हम रोटेशन कहते हैं एंड अर्थ टेक ट्वेंटी फोर आवर्स और अ डे ट्वेंटी फोर आवर्स एक डे में ट्वेंटी फोर आवर्स ही होते हैं अपना पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करती है कितने में ट्वेंटी फोर आवर्स में ऑन दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशन इसको हम रोटेशन कहते हैं और इसी रोटेशन के नतीजे में क्या बनते हैं डे नाइट सीजन पूरा दिन जब पूरा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अर्थ एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कंप्लीट कर लेती है तो आपका डे कंप्लीट हो जाता है फिर नाइट आ जाती है फिर डे आ जाता है इसी तरह ये अर्थ अपना सर्कल जो है वो पूरा करती है ओके स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू दैट ओवर अर्थ डज नॉट फिक्स इन वन प्लेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है वो किसी एक जगह फिक्स नहीं करती लेकिन वो अपने एक्सिस के अराउंड एनी टाइम मूव कर रही होती है लाइक दिस लुक एट दिस दिस इज़ ओवर अर्थ एंड इट मूवस अराउंड इट्स एक्सिस एनी टाइम लुक इसी अंदाज में आपकी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड ट्वेंटी फोर आवर्स कंटिन्यूसली जो है वो मूव करती है दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस इज कॉल रोटेशन ओके स्टूडेंट्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इज कॉल्ड रोटेशन बट द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन अब आपकी जमीन जहां पर हम प्लान अर्थ पे रहते हैं ये टू तरह मूव करती है एक तो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है और दूसरा ये सन के अराउंड मूव करती है एक्सिस के अराउंड जो अपना ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं बट अगर हम सन की बात करें तो आपकी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड इट टेक्स थ्री डेज और अ ईयर आपको पता है ना हाउ मेनी डेज आर इन आई थ्री सिक्सटी फाइव अब सन के अराउंड जो वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक राउंड कंप्लीट करती है उसको हम रेवोल्यूशन करते हैं और इसको वो थ्री सिक्सटी फाइव डेज लेती है और जो एक्सिस के अराउंड अपना सर्कल कंप्लीट करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं और उसमें ट्वेंटी फोर आवर्स या डे उसको लगते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट पेज नंबर टू वी विल रीड अबाउट द मून द मून इज क्लोजर टू द अर्थ इट इज

उसकी अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती रात को जब वो निकलता है और पूरा रात को वो रोशन कर देता है दरअसल वो ये जो लाइट है ना वो सन से रिफ्लेक्ट करता है और मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट बिकॉज इट गूस राउंड द अर्थ एंड अर्थ एंड द मून बोथ मूव राउंड द सन अब आप ये देख रहे हैं दिस इज अर्थ सन सॉरी सन अर्थ एंड मून वॉट कॉज इज डे एंड नाइट अर्ली इन द मॉर्निंग उससे द सन इज राइजिंग एज यू नो जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सूरज निकल रहा है इन द इवनिंग वज से द सन इज सेटिंग सोच करूब बो रहा है एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल आपको पता सूरज मूव नहीं करता बल्कि अर्थ और सन के अराउंड मूव करती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट ये भी मैंने आपको जब हमने यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वाला जी इट इज डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच द सन अब जमीन के वो हिचे जो सूरज के बिल्कुल सामने से हैं फेसिंग द सन सूरज को फेस कर रहे हैं इट इज नाइट डे टाइम एंड इट इज नाइट ऑन द अदर साइड और दूसरी साइड पे आपको नजर आ रहा है कि ये सन से अवे हैं सूरज से दूर हैं तो यहाँ पे अंधेरा है रात है अवे फ्रॉम द सन नाइट टाइम फॉर आस इज डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ अब अगर हमारी साइड पे नाइट है अंधेरा है तो दूसरी साइड पे रोशनी है और अगर दूसरी साइड पे सूरज निकला हुआ है तो हमारी साइड पे अंधेरा होगा एंड लुक एंड दिस पिक्चर इज सेटिंग यानी कि सूरज का रूप हो रहा है ओके स्टूडेंट दिस इज मून एंड मूव मूव अराउंड द अर्थ मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है एंड इट्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट अब ये सन से रोशनी जो है वो अपने पास लेकर आता है और उससे हमें ये रोशन दिखाई देता है जब सन की रोशनी सूरज पे पड़ती है तो वो हमें रोशन दिखाई देता है एंड लुक एट दिस सन है जब सन की रेज जिस जमीन के हिस्से पर पड़ती है इट इज़ डे टाइम एंड द अदर साइड विच इज अवे फ्रॉम द सन इट इज कॉल्ड नाइट टाइम ओके स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई आई वॉन्ट टू शो uh, day and day night i have i have a torch light and a tissue paper instead of sunlight as you know ke sunlight to available nahi hai lekin maine torch light use ki hai now look at this the part of the this part look at this part on this part this part pe aapko light reflect kar rahi hai uh, the part which is facing from the light अब जब ये पूरा हिस्सा जो रोशनी की सामने है वहाँ पर डे है बिल्कुल ऐसे ही सूरज के सामने जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसको हम डे कहते हैं और जो उसकी बैक साइड पे जहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आ रहा है दैट्स मीन कि आपकी ये जो लाइट है ना ये लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो दैट्स मीन द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन तो जो हिस्सा इस रोशनी से काफ़ी दूर है वहाँ पर हमें अंधेरा नज़र आ रहा है इट इज़ नाइट टाइम लेकिन वो पार्ट जो इस रोशनी के बिल्कुल सामने है और उसको फेस कर रहा है इट इज़ ओवर डे टाइम ओके यू कैन शो दिस आप इसको uh, को अपने घर में भी uh, कर सकते हैं कि uh, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने घर में भी इसको uh, कर सकते हैं